मॉर्निंग गाइस, आज व्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया है। कॉलेज था मेरा, तो मैं कहा कि चलो पहले जा जाते हैं, उसके बाद आते थे अभी शूट करेंगे। तो अभी जा रहे हैं, देखो लाइटों पे लड़े हुए हैं। अभी थोड़ा मेरे को मार्केट से भी काम था थोड़ा अपना, तो वो भी करते जाएंगे। और फिर मम्मी से चाबी भी लेते जाना घर, तो भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर टाइम पैर के बज रहे हैं वही 1:23, ऑलमोस्ट 1:30 होने वाले हैं और शायद ग्रीन लाइट। तो कभी भी अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हैं ना, तो ये पता नहीं कौन सा सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे जो स्लिप रोड के गड्ढे हैं ना भाई साहब, अभी दिखाता हूँ। यहाँ से मुड़ेंगे हम और इधर दिखेंगे गड्ढे भी नहीं, मतलब वो है इन्होंने कोई पाइप वगैरह कुछ डाली थी तो इन्होंने प्रॉपरली भरी नहीं है। तो अभी देखना, यहाँ दिखेगा आपको वो देखिए, शायद कैमरा में शायद इतना ना पता चल रहा पर है, तो काफ़ी देख के और स्लो निकालना पड़ता है यहाँ से। वो दिख रही है आपको गाड़ी, मतलब इतनी भी पेशेंस नहीं है। और अभी ये बाइक वाला भी गया, इतनी भी पेशेंस नहीं है कि तुम रुक जाओ यार रेड लाइट पे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग और कहाँ रुक रहे हैं, मतलब यार कुछ भी, मतलब भाई आज तो ना मतलब सारे रोड पे बेवकूफ़ी मिल रही है मेरे को। मैं तो भी क्या हुआ था, मैं अभी पिछली लाइट पर था तो चलते चलते ना यहाँ से एक बाइक वाला जाता जाता यहाँ हो गया एकदम। और मतलब अगर उसे खड़ना है तो इस लाइन में खड़ा हो ना भाई, तू यहाँ से क्यों जा रहा है। मतलब पहले घर की चाबी लेंगे मम्मी से, क्योंकि मम्मी तो पार्ट में गए हैं, तो उनसे चाबी लेके फिर 46 जाए पहले, थोड़ा वहाँ काम है मेरे को, और फिर घर जाके आराम करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और ये यहाँ पे ये मोहल्ले क्लब है, और इसके बाहर की जरा सड़कें देख लो, मतलब क्या है। और ये पता नहीं पत्थर पड़ा क्या है, क्या माड़ी हाल है भाई। ये देखो बीच सड़क में मतलब क्या बना रखा। और ये आंटी जी रस्ती घुस रहे थे बीच में, चलो ओह पेट गिरा हुआ। वो प्लान चेंज हो गया, मम्मी कहते हैं कि अंदर आओ पहले उसके बाद जाना, मैं कम रुका हूँ, कहते नहीं जाओ आओ पहले अंदर फिर जाना। मैं कहा यार चलो ये देखिए लाइट जूते डालने के पहले मिट्टी मिलती हो गई। तो अभी टाइम 2 बज रहे हैं, मम्मी कहते हैं कि चलो पहले घर लेके जाना है और सामान भी रखना थोड़ा गाड़ी में, वो भी घर के आगे लेके चलते हैं गाड़ी को। गर्मी बहुत हो गई यार, कितने डिग्री है ये दिखा दे, 3 डिग्री हो रहा है इस टाइम। तो अभी मम्मी को घर छोड़ के अभी 46 की तरफ जा रहा हूँ, अभी मेरे को वहाँ पे जो काम है बस वो खत्म करके फिर घर जाना है। और अभी तो ये देखो ऐसे रेंगते हैं ना रोड पे, ये पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ये थोड़ा चला लेंगे। 60 की स्पीड है फिर भी नहीं चला रहा, 50 तो चला। चलो अगली बार ही निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे, निकलेंगे ग्रीन है। तो 46 आ गए हैं, और यहाँ पे जियो का स्टोर होगा वो रहा, वो वहाँ पे, तो वहाँ जाना है अभी, उनसे थोड़ा काम है उसका। अरे नदियाँ बनी हुई है यार, काम करने आया था वो हो चुका है, पापा से भी बात हो गई है, अब घर जा रहे हैं। घर जाके यार आराम करेंगे, इतनी गर्मी में रेल बनी हुई है तो आराम करेंगे घर जाके। तो अभी तो यहाँ से तो मुझे यू टर्न मारना है, बट रश आ रहा है काफी, तो थोड़ा आगे जाके मारते हैं आराम से। यहाँ से घूम जाएगी इधर से, बस इधर से घुमा के फिर हम घर भागेंगे फिर। चलो अंकल जी, क्यों पीछे पीछे लगा रखी है ये, पीछे 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 पीछे
जा रही है स्कूटर पे, इन्होंने तो रुकना नहीं, नहीं रुकना पड़ेगा। स्कूटर और एक बाइक और है इसके बस, चलिए चलो। अरे भाई साहब ये अंकल जी देखिए बिना हेलमेट के चले हुए हैं और बीच सड़क में, अपनी साइड चलो या हेलमेट लगाओ कुछ तो करो यार। और ये देखिए गर्मी में भी कितनी मेहनत करते हैं ये लोग अपनी अर्निंग के लिए। चलो घर चलते हैं अभी। ये देखिए यहाँ मतलब लाइट कितनी दूर है, अभी दिखेगी यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकंड, वहाँ आपको लाइट दिख रही है कितनी दूर है। और ये जाम यहाँ तक लगा हुआ है, ये जब से स्कूल शुरू हुआ है ना मतलब इस साइड इतना जाम लग जाता है ना कभी कभी तो, कि मतलब 3-4 बार में लाइट से निकला जाता है। तो चलो क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा लाइट में, कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। ये देखिए अंकल जी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, और उन्हें जगह नहीं मिल रही है, जैसी जगह मिलेगी वो घुसा लेंगे। और वो देखो टू व्हीलर्स के तो अपनी मजे हैं, साइड साइड से निकल निकल के जा रहे हैं यहाँ से। चलो सही है, निकल हम करते हैं जाम में।